अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न सरकारी कार्यालय व सभी अस्पतालों शिक्षण संस्थानों में सामूहिक तरीके से योग दिवस मनाया गया, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। यह शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यह क्रिया अब विदेशों तक भी फैल चुकी है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान दुनिया भर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। लेकिन खरौंधी प्रखंड के विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर योग दिवस इस वर्ष नहीं मनाया गया। बता दें कि शुक्रवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनखेता सिसरी में डॉक्टर के रूम में सुबह 10 बजे तक ताला लटका मिला। वह एक भी ग्रामीण योग के लिए नहीं पहुंचे। जब इस संबंध में आसपास के ग्रामीणों से पूछा गया तो ग्रामीणों ने कहा कि उन लोगों को योग के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आज योग दिवस मनाया जा रहा है। अगर हम लोगों को पहले से सूचना होता तो हम लोग अस्पताल पहुंचकर इस योग दिवस में शामिल जरूर होते। मौके पर उपस्थित आसपास के ग्रामीणों ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है कि योग दिवस को लेकर स्वास्थ्य केंद्र में योग करना है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि यह स्वास्थ्य केंद्र में ना तो योग करने के लिए साफ सुथरा जगह भी है। ग्रामीण हाफिज गुलाम पैगंबर विष्णुदयाल प्रजापति सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान प्रभारी डॉक्टर नजमा मुसरत की प्रतिदिन उपस्थिति नहीं होने के कारण यहाँ किसी का इलाज नहीं हो पाता है। CHO केंद्र प्रभारी महीना में एक दो बार आते हैं, जिससे डिलीवरी महिलाओं को भी यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पाती है, उन्हें दूर के अस्पतालों में ले जाना पड़ता है। इसके साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बने स्वास्थ्य शौचालय सही ढंग से नहीं है। शौचालय का पूरा रूम और दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है, पूरा कचरा भरा हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बल्कि कई सालों से बंद पड़े घर में आए हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का समस्या है बहुत ही किल्लत हो रहा है, इसलिए कि डॉक्टर साहब को मैंने एनी टाइम उपस्थित न रहने की वजह से, यहाँ डॉक्टर न बैठने की वजह से ग्रामीणों को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जी, देश में हर जगह योगा मनाया जा रहा है, और आपको क्या इसका जानकारी सूचना मिला है यहाँ पे? देखिए, इसकी तो प्रचार प्रसार मेरे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होता तो हम लोग खुद उपस्थित होने का। ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पे जो तैयार है, ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है यहाँ पे, इसके बारे में क्या, अब इसके यहाँ पर इलाज उलाज होता है, मैडम बैठती हैं? ये देखिए, कभी कभार आते हैं जब इसे महिला लोगों को समस्या, दवा पिलाने वाला और इंजेक्शन देने वाला जो समस्या आता है, उस समय ये लोग आते हैं अपना दवा वगैरह पिला करके, और बच्चे वगैरह के जो भी टीका वगैरह देना होता है दे करके, बाकी तो और समय में नहीं बैठते हैं। अगर रात में किसी का अचानक तबीयत खराब हो तो उसका लाभ उठाए हैं? यहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं रहता, बंद रहता है सारा चीज़, हमेशा बंद रहता है ना? हमेशा बंद रहता है, सारा सिस्टम बंद है यहाँ पे। और यहाँ पे शौचालय वगैरह पानी वगैरह की व्यवस्था है? ये तो अभी अंदर का मसला है, खुद हम स्वयं जाकर के नहीं देख पाए हैं, इसलिए इस विषय पर अभी कुछ टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। तो क्या देख रहे हैं, मतलब आज योगा दिवस है, ये साफ सफाई भी नहीं है, कभी ऐसा सिस्टम हुआ ही नहीं है, इसलिए सब वीरान पड़ा हुआ है। अगर ऐसा माहौल बनाया जाता तो ये पूरा फील्ड की सफाई कर होता और लोग आते रुचि रखते, इंटरेस्ट रखते। यहाँ के जो मैडम है जो चार्ज में है, उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ के ग्रामीण लोग? देखिए, एनी टाइम नहीं रहने के चलते तो संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि मान लीजिए कि जब स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना है तो यहाँ पे उपस्थित रहना जरूरी है हर समय, ताकि जनता को लाभ मिल सके। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम तो गुलाम पैगंबर हुआ, मेरा ग्राम सिसरी टोला अंधेरी में ही पड़ता है, इसी जगह है ना? इसी जगह बगल में, ठीक है, उत्तर साइड में। आज योगा दिवस है, इस सेंटर पे योगा दिवस मनाया गया है या नहीं अभी तक? नहीं, नहीं मनाया गया है। अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम 10 बजने वाला है। 10 बजने वाला है। 10 बज गया, अभी तक योगा नहीं किया गया है ना? इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्या योगा, किसी को इन्फॉर्म नहीं है, किसी को नहीं, किसी को जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिला है। ये सेंटर कहाँ पे है? ये सिसरी पंचायत के बनखेता। मैडम कौन है यहाँ पे चार्ज में, कौन मैडम है यहाँ पे? मैडम नजमा, नजमा है। और यहाँ पे जो ये एनम आती है, एनम खाली टीका लगाने के लिए आएंगे और चले जाते। कौन है एनम? किरण मैडम, किरण मैडम है।
डॉक्टर हमेशा यहाँ पे बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। पेशेंट इलाज नहीं हो पाता है यहाँ पे? नहीं हो पाता। और यहाँ पे रात्रि में कभी सेवा का आप लोग लाभ उठाए हैं? कभी नहीं, बंद रहता है हमेशा, तो क्या उठाए। यहाँ के अंदर का व्यवस्था कैसा है? अंदर का व्यवस्था कुछ भी नहीं है, न पानी का है, न लैट्रिन बाथरूम का है, कुछ भी नहीं है। साफ सफाई कैसा है यहाँ पे? साफ सफाई में तो अंदर ठीक है, लेकिन बाहर में कुछ भी नहीं है। कैमरा घुमा के देखिए, अंदर कहाँ ठीक है, देखे हैं आप? अंदर देखे हैं ठीक है? अंदर भी नहीं गए हैं। अंदर तो हम लोग जाके देखे हैं तो बहुत कचरा है, बहुत गंदा है। शौचालय है ये नहीं है इसमें? पूरा गया है तो कैसे बताएंगे? हाँ तो वही बताइएगा, जो देखे वही ना बताएंगे। सिसरी पंचायत टोला बनखेता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पर विष्णु दयाल प्रजापति। ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जो है, इससे क्या लाभ आप लोग को मिल रहा है अगल बगल? अभी तो हम लोग लाभ नहीं लिए हैं कुछ, हम लोग पता नहीं है कि डॉक्टर यहाँ आता है, हफ्ता में एक दिन आता है, अपना चल जाता है। तो आप लोग आते हैं, हम लोग को कोई पता नहीं, जानकारी नहीं होता है जब आते हैं यहाँ पे? नहीं, खेती के अंदर रहते हैं हम लोग, क्या जानकारी है। कुछ बड़ बीमारी होता है तो बाहर ही भागते हैं। यहाँ यहाँ से मैंने कोई लाभ नहीं है भाई। अगर रात में, रात्रि में किसी का अचानक तबीयत खराब हुआ तो बाहर ही जाना होगा। डॉक्टर अभी नहीं कर रहे हैं तो कहाँ हम लोग जाने। महिला का इलाज नहीं होता है ना यहाँ पे? महिला का इलाज तो महीना में नहीं तो हफ्ता में आते होंगे, फिर भी पता नहीं हम लोग को। आज योगा दिवस है, यहाँ पे योगा कराया गया है, ये तो हम जान रहे हैं। आप लोग को सूचना है कि आज योगा दिवस है? नहीं। इस जगह से कितने दूर पर घर है आप लोग को? हम लोग को पड़ जाएगा यहाँ से 100 फीट। 100 फीट लेकिन आपको पता नहीं है आज योगा दिवस है ना? आपको जानकारी नहीं दिया गया है क्या योगा दिवस है, योगा करना है? हम लोग जान ही नहीं रहे हैं तो कुछ होता, कोई नहीं सूचना किया है ना? ठीक। अब तो इससे आप लोग क्या क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मतलब ये मांग करना चाह रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर उपस्थित रहे 24 घंटा। अब पानी उनी की कतो सुविधा नहीं है, इसमें पानी उनकी सुविधा किया जाए। मांग देखिए हम लोगों का यही है, बहुत है मांग। क्या मांग? हम लोगों का मांग यही है कि देखिए यहाँ इतना बड़ा सरकार अपनी लागत से बिल्डिंग इमारत तैयार कर चुकी है, तो हम लोगों का मांग है कि एनी टाइम जो है 24 घंटा डॉक्टर का सेवा यहाँ उपलब्ध हो, और जो भी डॉक्टर का समस्या हो सरकार इसको पूरा करने की कोशिश करे। जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, जो भी समस्या है उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करे, और डॉक्टर के 24 घंटा यहाँ पर रखने का मैंने प्रयास करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे वैसे कोई डॉक्टर नहीं है, इलाज के बगैर जो है लोग मैंने त्राहिमाम हो जा रहे हैं। हम लोग के बच्चा के कुछ भी नहीं मिलता है, ना यहाँ पे डिलीवरी होता है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसका लाभ आप लोग को प्राप्त होता है? नहीं, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल कहाँ पे है? खाली एगो सुई भर दिलाता है, मतलब हॉस्पिटल कहाँ पे है, कौन से जगह पे? ये वाला अथी में सिसरी में न पड़ता है। यहाँ पे डिलीवरी वगैरह कभी होता है? डिलीवरी कभी नहीं हुआ है यहाँ। और बच्चा लोगों को कुछ पोषाहार मिलता है यहाँ पे कि नहीं? यहाँ खाली एगो सुई भर दिलाता है बस। मैडम डॉक्टर जो है आती है? एक बार आती है महीना में। महीना में एक बार आती है? और यहाँ के जो ये एनएम वगैरह है, एनएम आती है? एनएम भी जो आती है, सुई देने आती है। और सहिया के तो, सहिया के बारे में आप कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सहिया तो आती है या सुई देने के लिए बोलती है कि चलो सुई दिलवा देते हैं। मैंने यहाँ से जो हॉस्पिटल से आप लोग कोई लाभ लेते हैं या नहीं लेते? अभी कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। रात्रि में किसी का तबीयत खराब हो जाता है जैसे कि महिला लोगों के, तो फिर आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? डिलीवरी मार नहीं जाता है। और नहीं उसके बाद फिर जाएगा? यहाँ पे सर्दी बुखार का भी दवा नहीं मिलता है? सर्दी बुखार के मतलब ये महीना में आती है ना? हाँ। तो देती है। महीना में एक बार सर्दी बुखार दवा मिलता है। शनिवार को मिलता है कि नहीं? शनिवार के नहीं, मतलब यहाँ कोई दिन के मतलब मिलेगा। अच्छा। ये नहीं है दिन के, यही दिन के मिलेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र प्रभारी नजमा नुसरत ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमारी ड्यूटी नहीं था, इसलिए हम ड्यूटी पर नहीं आए। साथ ही सीएचओ अविनाश कुमार ने कहा कि उन्होंने 18 जून को मीटिंग के बाद घर में तबियत खराब होने की वजह से छुट्टी लेकर घर पर आए हुए हैं, जिसके कारण वो योग दिवस में उपस्थित नहीं हुए। साथ ही योग शिक्षक राजेश कुमार ने कहा कि वो सुबह 7 बजे से ही केंद्र पर उपस्थित है, लेकिन एक भी ग्रामीण नहीं पहुंचे। योगा दिवस है, योगा दिवस में आज योगा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर नहीं हुआ है। जैसे 7 से 8 बजे तक हम लोग अपना सामंजस्य बना करके टाइम रखे थे, उसमें हुआ कि हम 7 बजे तो पहुँच गए, तो यहाँ जैसे गेट चाबी खुलवा करके और बैनर वगैरह जिसे सफाई कर्मी हैं उनको दे दिए बांधने के लिए, बाकी बगल के स्कूल जो अंधेरी टोला है उसमें जा करके हम समय पर योगा करवाए हैं। फिर एक और स्कूल आगे जो दिख रहा है वहाँ, हाँ बनखेता, वहाँ भी जाके योगा करवाए हैं। और यहाँ मान लीजिए कि पब्लिक के वेट में हम मान लीजिए कि 7 बजे से आ करके हम हैं यहाँ। अभी तो कोई जानता नहीं है ना यहाँ पे योगा करने? नहीं, जानता आ रहे हैं, 2-4 आ रहे हैं, सोच रहे हैं कब सूचना इसका कब दिए हैं आप लोग कि जनता लोग को? सूचना ग्रुप में, जिसे ग्रुप ने यहाँ के अगल बगल के लोग पड़ोसी के क्या आती है उसके
वैसे तो प्रचार नहीं कराया गया है, लेकिन सूचना कुछ कुछ लोग को दिया गया है ऐसा नहीं, मोबाइल के माध्यम से। हॉस्पिटल में अभी तक योगा नहीं कराया गया है ना, अभी समय कितना हो रहा है? बाकी स्कूल दो स्कूल में हम करा चुके हैं। हॉस्पिटल में टाइम कितना हो रहा है अभी? हॉस्पिटल में कराया गया कि नहीं अभी तक? हॉस्पिटल में करा के ही जाएंगे भले। अभी कितना समय कितना हो रहा है? समय 10 बजने वाला होगा। और अभी तक कोई नहीं आया है ना योगा करने? अभी योगा नहीं हुआ है। 10 बजने। आपका परिचय? योगा टीचर। स्थानीय जनप्रतिनिधि उदय अलवेला ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रभारी नजबा मुसरत सहित कर्मी मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं, कभी भी सही समय पर उपस्थित नहीं होते हैं व इस केंद्र में किसी का इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे डॉक्टर पर जांच कर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। जब इस संबंध में सिविल सर्जन से हमने बात की तो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि अगर ग्रामीणों के द्वारा ऐसी शिकायत मिल रही है तो जांच के बाद ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सर, खरौंदी प्रखंड के सिसरी पंचायत बनखेता एक है जगह है जो कि वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो वहाँ पे जो कोई भी कार्य नहीं है जो कि बंद रहता है ज़्यादातर, और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि कभी भी मैडम वहाँ पे आती नहीं है और वो चालू हालत में भी नहीं है। क्या क्या क्या, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, आप केंद्र से, वो तो सब सेंटर है यहाँ पर कि CHO एक नर्सिंग स्टाफ की बहाली शायद है, हम देख लेते हैं किस CHO और किस नर्सिंग स्टाफ का है। और हो सकता है कि जिस दिन आप ग्रामीण लोग गए हो वहाँ उनका वैक्सीनेशन हो तो क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए गई होंगी, तो उस कंडीशन में बंद रखा रहता है, फिर दोबारा ग्रामीण गया कि नहीं आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस दिन परमानेंटली वो चालू और बंद रहता है तो उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि वो चालू रहे और वहाँ पर सुचारू रूप से जो सरकार का नियम है उसके अनुसार से वो PD और डिलीवरी का काम हो। रिकेश ठाकुर की रिपोर्ट।